बिग बॉस 14 के खत्म होने के बाद से ही स्टंट बेस्ड रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 11 की चर्चा शुरू हो गई थी, जहां सबसे पहले बिग बॉस 14 के चर्चित नामों को अप्रोच करना शुरू किया गया, जिसमें राहुल वैद्य, निकी तंबोली, अभिनव शुक्ला और रूबीना दिलैक का नाम सुनने आया था, जिनमें से रूबीना दिलैक के अलावा राहुल, निकी और अभिनव ने खतरों के खिलाड़ी 11 के लिए अपनी दिलचस्पी दिखाई। और अब साउथ अफ्रीका के केप टाउन में इनके साथ बाकी के सेलेब्स भी शो की शूटिंग के लिए पहुंच चुके हैं। और रिपोर्ट्स की माने तो राहुल वैद्य को इस शो में सबसे ज्यादा फीस मिल रही है। बिग बॉस 14 के राहुल फर्स्ट रनर अप बने थे, जिस कारण उनकी पॉपुलैरिटी में काफी इजाफा हुआ था, जिस कारण उन्हें खतरों के खिलाड़ी 11 के लिए अप्रोच किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल वैद्य को इस शो के एक एपिसोड के लिए 12 से 15 लाख रुपए मिलने वाले हैं, जिससे ये चर्चा हो रही है कि राहुल इस बार हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट हैं, जो शो में खतरनाक स्टंट करते नजर आएंगे। इसके अलावा राहुल को नच बलिए का भी ऑफर मिला है, जिसमें वो अपनी गर्लफ्रेंड दिशा परमार के साथ हिस्सा लेते नजर आ सकते हैं, लेकिन नच बलिए के लिए अब तक राहुल और दिशा ने अपनी हामी नहीं भरी है। वहीं केप टाउन में सभी प्रतिभागी अपने गेम प्लान के साथ मैदान में उतर चुके हैं, जहां शो के एपिसोड की शूटिंग भी शुरू हो चुकी है। वेल, इस बार टॉप 11 कंटेस्टेंट्स में से दिव्यांका त्रिपाठी, अर्जुन बिजलानी, निकी तंबोली, विशाल आदित्य सिंह, आस्था गिल, सना मकबूल, अनुष्का सेन, श्वेता तिवारी, महक चहल, राहुल वैद्य, अभिनव शुक्ला, वरुण सूद और सौरभ राज जैन का नाम शामिल है।